देश ना चलता, झारखंड में झारखंड योग लोग ने देना होगा, झारखंड सरकार होश में आओ, 60-40 ना चलता। 60-40 नियोजन नीति को लेकर आज पूरे झारखंड भर में झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के तरफ से फाल जुलूस निकाला जा रहा है और 10 और 11 जून को पूरे झारखंड में नाकाबंदी की गई है। जो सरकार की ओर से नियोजन नीति आई है उसको लेकर पूरे झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के तरफ से पूरे झारखंड में भी आज मशाल जुलूस है। 10 और 11 जून पूरे 48 घंटे के लिए पूरे झारखंड बंदी का आह्वान किया है। तो आज मशाल जुलूस में हम लोग झुमरी तिलैया पहुंचे यहाँ के। तो चलिए यहाँ से जितने भी छात्र है उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों उन्हें सड़क पे उतरना पड़ा और वो लोग 60-40 नियोजन नीति का विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों उतरे हैं आप सड़क पे। ये जो झारखंड सरकार नियोजन नीति 60-40 वाला लगाए उसको जल्द से जल्द समाप्त करे और झारखंड के हित में स्थानीय नीति लागू करे। इस नियोजन नीति के तहत क्या नुकसान है झारखंड? इसमें है कि हर राज्य में होता है कि जो राज्य का फॉर्म निकलता है वहाँ का स्थानीय निवासी माना जाता है, मांगा जाता है, लेकिन यहाँ वैसा नहीं किया गया। इसमें 60% झारखंडी और 40% बाहरी को बुलाया गया है। तो झारखंड सरकार ने तो लगातार एक से बढ़कर एक नियुक्ति की नोटिफिकेशन जारी कर रही है, तो क्या आप लोग फॉर्म नहीं भरेंगे? फॉर्म भराया ही नहीं जाएगा, इसको रद्द करवाया जाएगा, उसके बाद ही आगे। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के तहत आज वहाँ जन आंदोलन के पूरे झारखंड में आज मशाल जुलूस निकाला गया है। क्या वजह है आप लोग सड़क को उतर रहे हैं? 60-40 नहीं चलता। काहे नहीं चलेगा 60-40? बाहरियों को दबी देना बंद करो। 60-40 क्यों नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप इस आंदोलन में क्यों आए हैं? 60-40 के विरोध में। क्या है 60-40? हम लोग क्या उसमें 10% मिलेगा? हम लोग सब बाहरी लोग का नौकरी मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे? बाहरियों को नौकरी में गए तो हम लोग क्या करेंगे? चलने का रीजन है जिस तरह से अभी बिहार सरकार ने चाहे वो टीचर की बहाली हो जो पूरे तरह से लॉक किया हुआ ना, कोई झारखंड नागरिक को डर सकता है। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ, उसी तरह से झारखंड सरकार जिस तरह से बिहार में लॉक किया उस तरह से आपको भी लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सरकार आने से पहले ये अनाउंस किया था कि 1935 खतियान लागू करेंगे, जो कि आपने सरकार ने लागू किया लेकिन राज्यपाल ने वापस कर दिया, तो क्या करेंगे? राज्यपाल ने वापस किया तो क्या है, ये बिहार सरकार के राज्यपाल में उसमें क्या हुआ? बिहार सरकार जो अभी लॉक किए हमें क्या करेंगे? सरकार तो बार बार तो वैकेंसी निकाल रही है, बम्पर वैकेंसी निकाल रही है, तो ये वैकेंसी पूरा क्लियर होने वाली नहीं है, चाहे या तो इस ये एग्जाम पूरा नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो, एग्जाम सेंटर में जाके जाकर के भी एडमिट कार्ड सब लड़का सबको छीना पड़ेगा तो वो भी छीनेंगे। हाँ छीनेंगे, ये जो 2003 में जो हुआ था वही दोहराया जाएगा अभी 2023 में, तो समझ लीजिए। छात्र काफी आक्रोशित है आज, अभी मैं झुमरी तिलैया में मौजूद हूँ, यहाँ पे झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के तहत महाजन आंदोलन किया जा रहा है जिसमें आज मशाल जुलूस निकाला गया है और 10 और 11 जून को पूरे झारखंड को बंद किया जाएगा। क्या जानते हैं आखिर क्यों उतरना पड़ रहा है आप लोगों को, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि झारखंड सरकार जो अभी नई नियोजन नीति बनाई है उसमें खास कर ये लिखा गया है कि 60-40 मतलब कि 60 बाहरी का 40 अंदर का झारखंड का, और दूसरी बात कि यहाँ का जो स्थानीय नीति अभी तक परिभाषित नहीं किया गया, इसलिए झारखंड सरकार से हम लोग का विनम्र अनुरोध है कि स्थानीय नीति जल्द से जल्द लागू करें, जिसके कारण यहाँ का छात्र हित के लिए बहुत परेशानियों का कठिनाई कर रहा है और छात्रों जो बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं। झारखंड सरकार तो अभी बम्पर वैकेंसी निकाल रही है, झारखंड इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जेएसएससी ने इतनी बम्पर वैकेंसी निकाली है, तो क्या आप लोग फॉर्म भरेंगे या विरोध करेंगे? फॉर्म भरेंगे, लेकिन अभी तक स्पष्टता नहीं दिखाई गई है कि इसमें कितना बाहरियों का है कितना अंदर का है, ठीक है? इसमें स्थानीय नीति नहीं होने कारण यहाँ सब नियोजन नीति अभी खराब हो रहा है, जिसके कारण हम लोग सरकार से विरोध कर रहे हैं और जल्द से जल्द लागू करने के लिए कर रहे हैं। झारखंड के 11 जून को पूरे झारखंड में बंदी का आह्वान किया गया, किस तरह की तैयारी है? हमारे विरोध हो रहा है जो 60-40 के बारे में नहीं जानते हैं वो आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि 60% झारखंड को और 40% दूसरे राज्य की नौकरी देने की साजिश की जा रही है, जो आज तक किसी भी राज्य में नहीं चल रहा है। और हम पिछड़ा मूल निवासी आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए 100 में 100 मांग करते हैं, इसलिए हम लोग
मर जाएंगे लेकिन 7 साल इसका बोल नहीं करेंगे। 100 में 100 कैसे मिलेगा? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे, हम लोग लड़के लेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। किस तरह का नियोजन नीति चाह रहे हैं हम लोग? 100 का 100 थर्ड और फोर्थ ग्रेड में 100% हम लोग को चाहिए। हम लोग 1% दूसरे को नहीं देंगे, हम लोग को 100 में 100 चाहिए। झारखंड तो स्थानीय नीति 1935 के आधार पर लेके आया, लेकिन राज्यपाल ने उसे खारिज कर दिया। खारिज करे, राज्यपाल है तो उसके खिलाफ लड़ाई है। जो जो काटा आएगा उसके खिलाफ लड़ाई है, हम किसी के खिलाफ नहीं। जो हमारे रास्ते में रोड आएंगे हम सबके खिलाफ है। झारखंड सरकार बोल रही है कि 9वीं अनुसूची में आएगा तो खाद्यान्न आधारित नीति लागू हो जाएगा, उसके लिए आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे? हम बस अभी हमारा जो है एक ही डिमांड है कि 100 में 100 चाहिए, और उसके बाद क्या नियम है, क्या है, दावपेच है, वो हमारे शीर्ष के नेता देखेंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि हम पिछले राज्य हैं, हमारा सोना का जैसा राज्य हमारा खनिज पर लूटा जा रहा है, हमारे पहाड़ियों का कब्जा आ रहा है खनिजों पर, उसके बचाने के लिए अगर हमारी जान भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, हंसते हंसते मरेंगे। कल की कैसी तैयारी है? कल की पूरी तैयारी है, कल पूरे लोग आएंगे और इतने लोग आएंगे कि ऐतिहासिक जाम करेंगे हम लोग रोड। पूरी बंदी पूरी तरीके से बंदी रहेगी, पूरा